यदि आप एयरटेल सिम के यूजर हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मोबाइल टैरिफ महंगा हो सकता है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल इस साल के मध्य में टैरिफ बढ़ाने का ऐलान करने वाली है। इसका संकेत खुद एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों अमेरिका में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रहा है। यह मोबाइल फोन और इससे जुड़ी चीजों का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इसी में भारतीय टेलीकॉम कंपनियां भी पहुंची हुई है। एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल भी वहीं हैं। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत में मित्तल ने बताया कि एयरटेल इस साल सभी प्लान्स के रेट्स बढ़ाने वाली है। बता दें कि कंपनी ने पिछले महीने ही अपने मिनिमम रिचार्ज 99 रुपए की कीमत करीब 57% बढ़ाई है। अब यह 155 रुपए हो गई है। सुनील भारती मित्तल ने वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वोडाफोन आइडिया की जो हालत है, ऐसे में देश में एक और वोडाफोन आइडिया को झेलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और रेगुलेटर इस हालत से पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे में हमें ऐसी मजबूत टेलीकॉम कंपनियों की जरूरत है जो नए टेक्नोलॉजी में निवेश कर सके और ग्रामीण इलाकों में शानदार कवरेज दे सके। सुनील मित्तल ने बताया कि इस वर्ष के मध्य में मोबाइल टैरिफ बढ़ाई जा सकती है। यह बढ़ोतरी किसी एक सर्कल में नहीं बल्कि सभी जगहों पर होगी। कमजोर तबकों पर कीमत बढ़ोतरी के असर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मित्तल ने कहा कि दूसरी चीजों के दाम में हुई बढ़ोतरी के मुकाबले मोबाइल रेट में इजाफा कम ही हुआ है। शायद उनका यह कहना था कि जब कमजोर तबके के लोग 35 रुपए किलो आटा खरीद सकते हैं तो फिर बड़े टैरिफ को भी वहन कर सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी में भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल मित्तल ने कहा था कि पूंजी पर अच्छे रिटर्न के लिए ARPU बढ़ाकर 300 रुपए के स्तर पर पहुंचाए जाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यह नियत समय में होगी। बता दें कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने साल 2019 और 2021 में सभी स्लैब में दरें बढ़ाई थी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।